बच्चों की डिश के 600 रुपया 600 रुपीस। माई फेवरेट दिस ब्रिटिश रोज कलेक्शन। दिस इज द हैपनिंग स्ट्रीट ऑफ बेंगलोर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग अ व्लॉग, प्रॉपर व्लॉग, मतलब दिन में मैं क्या कर रही हूँ। आज संडे है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक ऐसा व्लॉग बनाऊँ कि संडे वाला व्लॉग। अभी प्रेगनेंसी टाइम है तो मेरा संडे अभी कैसा जाता है। पहले संडे कुछ और जाता था, शूटिंग वूटिंग होता, फिर बाहर जाते थे, स्ट्रीट शॉपिंग होता था, खाना वाना कुछ और ही होता था। अभी का संडे थोड़ा सा और कुछ और है, थोड़ा चेंज हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को, बहुत दिन हो गया आप लोगों को मैंने अपने साथ पूरा दिन यू नो लेके नहीं गई कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग ऐसा ही करते हैं। सो इट्स नाउ 8:00 इन द मॉर्निंग। तो सुबह उठ के सबसे पहले हम लोगों ने मतलब जो डस्टबिन है ना वो डिस्कार्ड किया, और पीछे जो देख रहे हो ये जो डेकोरेशन अभी भी थोड़ा फैला हुआ है, बेबी शावर का डेकोरेशन, ऑलमोस्ट 15-20 डेज के ऊपर हो गया है। अभी भी वो जो बलून्स था ना वो अभी भी था, क्योंकि इतना बड़ा था, फिर वो यू नो उसको फूटने का मन नहीं कर रहा था। तो हमने सोचा ठीक है उसको अपने आप छोटा होने दो, फिर हम उसको फेंक देंगे। तो आज हमने फेंका है, तो उसके बाद अब नीचे देख सकते हो कि ऐसा बिखरा हुआ है, वो थोड़ा क्लीन करना है। एंड या चलो लेट्स स्टार्ट विद द डे। मैं आपको दिखाती हूँ मैं दिन में सुबह उठ के क्या क्या करती हूँ। तो हमारा दिन स्टार्ट होता है कपड़े धुलने से क्योंकि वीकेंड ही बचता है कपड़े धुलने के लिए, और यही मेरा पतिदेव का काम है, क्योंकि ये करने के लिए वॉशिंग मशीन नीचे है, मुझे झुकना पड़ता है, जैसे कि हाँ ये झुक रहे तो अभी मैं कपड़े नहीं डाल सकती। सो दिस इज हिज जॉब नाउ। नाउ एक्चुअली इट्स योगा टाइम। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले थोड़ा फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद मैं योगा करती हूँ। तो मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या योगा करती हूँ। The day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. योगा तो हो गया है, अभी मैं थोड़ा पानी पीऊंगी और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स भी रो के रखी थी वो मैं खा लूंगी। यहाँ तक का रूटीन मेरा डेली रूटीन होता है, मतलब सुबह उठ के मैं पहले 1 स्पून घी लेती हूँ। ये मैंने रिसेंटली शुरू किया है क्योंकि अभी 8वां महीना चल रहा है, और सुबह 1 स्पून घी लेने से उसका बहुत सारा फायदा है, मैंने सुना है और बोला भी है बहुत सारे लोगों ने। तो कुछ ही दिन हुआ है मैं 1 स्पून घी लेती हूँ सुबह, उसके बाद मैं योगा करती हूँ। योगा ऐसे नहीं कि मैं पूरा रिलीजियसली 7 डेज फॉलो करती हूँ। मैं क्या करती हूँ जब जब कोई, क्योंकि मैं ऑफिस भी जाती हूँ ना, कोई कोई दिन मुझे बहुत मतलब टायरिंग हो जाता है, सुबह उठ के कुछ करने का मन नहीं करता है, तो उस दिन मैं योगा नहीं करती हूँ।
मतलब आई जस्ट लिसन टू माई बॉडी. जिस दिन मुझे अच्छा फील होता है कि हाँ ठीक है आई एम फाइन, जिस दिन मुझे टायर्ड फील होता है या कुछ और फील होता है, यू नो इस टाइम पे बहुत कुछ फील होता है, तो मैं नेल करती हूँ. तो हफ्ते में मान लो चार दिन तो मैं करती ही योगा, दो तीन दिन कुछ ऐसा ही चला जाता है. तो योगा करने के बाद मैं फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ और एक दो तीन दिन मैं छत पे जाती हूँ थोड़ा धूप सेकने के लिए. और क्योंकि आज संडे है, छुट्टी है, ऑफिस जाने का कोई हरी नहीं है, तो अभी इसके बाद मैं छत पे भी जाऊंगी. तो अभी मैं छत पे आई हूँ और जनरली छत पे जब आती हूँ दिव्यांदु भी मेरे साथ आता है. तो आज क्या है, कपड़े धुलने के लिए दिया है, तो मैं आ रही थी और वो बोला कि कपड़ा लेके आ रहा है वो छत पे सुखाने के लिए. तब तक मैं थोड़ा धूप सेक लेती हूँ. एंड इस टाइम पे धूप सेकना बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी. और इवन मतलब टमी पे भी धूप देना, बेबी को भी इनडायरेक्ट सनलाइट देना भी बहुत अच्छा होता है, इससे जॉन्डिस नहीं होता है. सो आई ट्राई टू गिव इट, मतलब रोज़ तो नहीं होता है, हफ्ते में दो तीन दिन तो मैं धूप सेकने की कोशिश करती हूँ. एक्चुअली ब्रेकफास्ट मैंने सुबह कर लिया था, थोड़ा सा मिल्क मूसली और बनाने के साथ. फिर पता नहीं थोड़ा अजीब सा लगा, मैं पूरा खा नहीं पाई. फिर मुझे लगा कि यार भूख नहीं मिटी, तो मुझे थोड़ा डोसा खाने का मन हुआ. तो मैंने हस्बैंड को बोला कि जाओ थोड़ा डोसा लेके आओ. और ये देखो ये हो रहा है डोसा, और ये जनाब खा रहे इडली सांभर चटनी. चलो मेरे लिए आपको भी सम इडली खाना हो गया. यार नहीं भी होता तो भी चल जाता. और यहाँ पे मैं एडिट कर रही हूँ, जो हमारा बेबी शावर वाला व्लॉग है ना, वो मैं एडिट कर रही हूँ. तो आई थिंक आज दोपहर तक मैं रिलीज कर दूंगी ये वीडियो. अभी दोपहर का टाइम है, लंच बनाते हैं. तो क्योंकि आज संडे है, मेड नहीं आते हैं ना, तो इसलिए लंच हम ही बनाते हैं. और मेनली संडे को चिकन या मटन ऐसा कुछ होता है, तो आज मटन खाने का मन हो रहा था, तो हम मटन बना रहे. और यहाँ इधर बन रहा है, और यहाँ मतलब दिव्यांगु बनाता है, मैं थोड़ा हेल्प कर देती हूँ, कभी ये काट के देती हूँ, कभी ये पीस के देती हूँ, ऐसा वैसा हम दोनों मिलके करते हैं छुट्टी के दिन. नाउ इज़ द लंच टाइम. टाइम क्या हुआ, 2:30 हो गया. एक्चुअली बनाते बनाते फिर व्लॉग भी एडिट कर रही थी, बेबी शावर फुल डे वाला जो व्लॉग था वो एडिट हो चुका है था. हमने करके सब कुछ करके 2 बजे मैंने शेड्यूल कर दिया, तो लाइव हो चुका है ऑलरेडी. अभी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, सो लेट्स हैव लंच. बेबी जल्दी आ जाओ. बेबी यस बेबी कम यस शुरू करो. चलो आ जाओ. शुरू करना है तो सबसे पहले दिस इज व्हाट वी हैव. ये फिश है फ्राई करके थोड़ा अनियन के साथ, मुझे ये बहुत पसंद है गरम गरम राइस के साथ. दाल, ये कद्दू का सब्जी कल का है, और मटन. चलो शुरू करो. और ये है हमारा टीवी. आज का क्या है बेबी? रवि तेजा की कोई मूवी आई है, ईगल शायद. तो रवि तेजा. हेलो, नाउ इज द इवनिंग टाइम. देख ही सकते हो हम दोनों कार पे है. और एक्चुअली क्या है ना, कुछ सामान चाहिए. सामान मतलब मुझे ना एक बॉडी लोशन, बॉडी बटर चाहिए था. मैंने प्रेगनेंसी एसेंशियल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि बॉडी शॉप का जो बॉडी बटर है वो मुझे इतना, मैंने इतना सारा बॉडी लोशन बॉडी बटर यूज़ किया, लेकिन आई फेल्ट दैट इज़ द बेस्ट एटलीस्ट फॉर दिस टाइम. अभी समर हो चुका है लेकिन फिर भी बेंगलोर पे बहुत ड्राई वेदर है और मेरा स्किन और भी ड्राई होते जा रहा है, तो इसलिए बाकी मतलब एक जो लेवन को का मैंने बॉडी बटर लिया वो तो मेरा एक महीना भी नहीं चला. सो या इसके लिए अभी हम जा रहे हैं मॉल पे, फोरम मॉल. तो या थोड़ा फोरम मॉल चलते हैं, मॉल जाने के नाम Nexus से मॉल है बेबी, अभी वो नाम चेंज. हाँ अभी नेक्सस मॉल हो गया, तो मॉल जाना है ये सुनते ही बहुत खुशी हो जाता है. और काफ़ी दिनों के बाद आई थिंक हम लोग गए थे दिवाली पे लास्ट, है ना, कहाँ जाना है थोड़ा करके फोरम मॉल गए थे, और अभी जा रहे हैं फोरम मॉल. सो या चलो थोड़ा देखो, आज मैंने व्लॉग उठाया और आज
हमारा मॉल का दर्शन भी हो जाएगा. हमने सोचा था जनरली प्रेगनेंसी वाला व्लॉग थोड़ा सा घर पे ही कटता है और ऐसा ही होता है एक्चुअली. मतलब घर पे ही रहती हो हम लोग, लेकिन कभी कभी बाहर भी जाते हैं. लास्ट वीक भी हम लोग गए थे, है ना, वो जो हंटिंग अपने व्लॉग देखा होगा कि बेबीज का जो शॉप है फर्स्ट क्राई बेबी हग, ये सब हम लोगों ने थोड़ा सा देख के रिसर्च करने के लिए हम लोग गए थे. और या दिस इज द हैपनिंग स्ट्रीट ऑफ बेंगलोर, जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पब्स ये सब होता है. तो सब होते हुए हम लोग जा रहे हैं नेक्सस मॉल. ये क्या है? 20th anniversary. अच्छा, मतलब नेक्सस मॉल का फोरम मॉल जो बोलते हैं 20th anniversary का चल रहा है. चलो भाई पहले कुछ खाते हैं. क्या खाते हैं? Something healthy. तो मॉल में क्या ही मिलता है? अभी देखो हमारा डेस्टिनेशन ही चेंज हो गया. हम लोग क्या देख रहे हैं? पेयर ऑफ 899. कितना महंगा भाई, ये न्यू बॉर्न. बेबी टी शर्ट, बच्चों की टी शर्ट 600 रुपया. 600 रुपीज. 999 भाई. वो जो हाथ में डालते हैं वो एक पेयर ऑफ, हाँ पेयर ऑफ टू, ठीक है, सिर्फ हाथ में डालने वाला ये दो और एक दो, हाँ दो नहीं ऐसे दो ही दिया है, दो ही दिया है. 699 एक हाथ का, 350 इस हाथ का, 350 इतना इतना छोटा था. नहीं कौन कौन सा चीज बता दो. चलो आ गया हमारा डेस्टिनेशन बॉडी शॉप. कुछ ऑफर तो नहीं है. माय फेवरेट दिस ब्रिटिश रोज कलेक्शन. तो मैडम का शॉपिंग हो गया है, अभी अभी घर चले. नहीं कुछ खाना है, खाना है खाने के बाद. ये आ गया, ये क्या बेबी? आलू ऐसे दे दिया, दिया दिया क्या? ये है गोलगप्पे, लेकिन ये सिद्ध आलू दीजिएगा ना. दिस इज गोलगप्पे, लास्ट टाइम हम लोग खाए थे बहुत अच्छा था. लेकिन ये आलू ऐसे सादा सादा आलू दे दिया बेबी. क्या बोले हो? लास्ट टाइम उसको अच्छे से मसाला कर डाल के दिया था. अभी बहुत देर हो गया है कि हम लोग मॉल से वापस आए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया, फिर खाना वाना खाया, डिनर हो गया है. अभी 11:15 हो चुका है रात का. तो कल मंडे है, नया दिन. और या माय फेवरेट जो लेने के लिए हम एक्चुअली गए थे मॉल पे, और सिर्फ यही चीज़ लेना था. क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मैं अमेज़न पे ऑर्डर करती हूँ, लेकिन अमेज़न पे 120 रुपीज़ वो दिखा रहा था डिलीवरी चार्जेस. तो इसलिए मैंने बोला कि यार 120 डिलीवरी चार्जेस क्यों देना है, चलो फिर मॉल थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और लेके भी आ जाएंगे. महंगा पड़ेगा बहुत ज़्यादा फिनेंशियली. अगर अगर सिर्फ यही मंगाना था 120 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस वर्थ, क्योंकि यहाँ पर स्टोर जाएंगे आएंगे 4-5 किलोमीटर जाएंगे आएंगे, उतने में ही मतलब अराउंड अबाउट यू नो 100 का पेट्रोल वैसे ही लग जाता है. उसके बाद खाना, उसका पार्किंग पैसे, पार्किंग के पैसे भी गए 100 रुपये, 200 रुपये ये गया,
उसके बाद फिर कुछ खाया पिया, उधर भी 100 रुपया गया, 300 रुपया हो गया। 100 रुपए के खाया क्या? बढ़िया कि थोड़ा घूमना फिरना हो गया, आके सीख लिया और ये सब सामान लेके के आ गए। हाँ तो दैट वाज बेटर, बट मतलब अगली बार से मतलब मैं ये बात ध्यान रखूंगा कि अगर 100 रुपए डिलीवरी चार्ज लग रहा है आई एम ओके विद पेइंग, तो मेरा लर्निंग ये है। ठीक है चलो अभी तो दिन ख़त्म करते हैं, आज का दिन कुछ ऐसा ही था। और रात का डिनर हमने जो दोपहर को बनाया था ना, मटन बनाया था, वही हमने खा लिया था। और या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ क्या प्रेगनेंसी रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हो या फिर आप बोर हो रहे हो। अगर देखना चाहते हो तो मैं और भी कंटेंट डाल सकती हूँ। और क्या देखना चाहते हो प्लीज़ डू कमेंट्स बिलो, मैं अभी रेगुलरली वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। सो या सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। Same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling.